अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपको मैं क्रिप्टो करेंसी की मोबाइल के ऊपर माइनिंग के हवाले से जो मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं उस हवाले से गाइड करूंगा। अगर प्रूफ ऑफ वर्क की मेरी पुरानी जो माइनिंग वाली वीडियोस है वो आपने वॉच की होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रूफ ऑफ वर्क में जितनी आपकी हार्डवेयर मशीन हैवी होगी उतना ज़्यादा आपको माइनिंग रिवॉर्ड मिलेगा। अब चूंकि हमने मोबाइल के ऊपर प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी की अगर माइनिंग करनी है तो ओबियसली हमारे मोबाइल की जो प्रोसेसर स्पीड होती है यानी हैश पावर होती है वो ज़रा कम होती है कंपेयरिंग विद अदर हार्डवेयर्स जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है, माइनिंग रिग है, एसिक्स है। तो आप इस मोबाइल के ऊपर माइनिंग तो कर सकते हैं लेकिन आप ये अगर इमेजिन करें कि यार आपका रिवॉर्ड डेली का सैकड़ों डॉलर या डबल डिजिट में रिवॉर्ड होगा तो ये मेरा नहीं ख्याल ऐसा मुमकिन है। लेकिन जाहरी बात है आप लोगों के पास अगर एक से ज़्यादा मोबाइल पड़े हैं, एक्स्ट्रा मोबाइल पड़े हैं तो आप उन मोबाइल को माइनिंग के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बात सिर्फ प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसीज की नहीं है, आप इसके अलावा भी मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप उन ऑप्शंस को अवेल करके आप उन क्रिप्टो करेंसीज की माइनिंग कर सकते हैं जो कि प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर बेस नहीं है। मिसाल के तौर पे ये मैं स्क्रीन पे प्ले स्टोर पे जाता हूँ, एक ऐप पिछले चंद सालों से बहुत पॉपुलर है, पाई नेटवर्क। ये देखें, अभी मैंने इंस्टॉल तो वैसे कर दिया, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ आपने अपने प्ले स्टोर पर जाके पाई नेटवर्क का ऐप इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगी। आप प्रूफ ऑफ वर्क बेस में जब आप माइनिंग करते हैं तो वहाँ आपको ऐसा कोई अपनी KYC करवाने की, आप अपना पर्सनल डाटा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पाए या इस तरह के ऐसे नेटवर्क जो कि प्रूफ ऑफ वर्क क्रिप्टो करेंसी बेस नहीं है, वैसे आप मोबाइल पे उनकी माइनिंग कर सकते हैं तो उनके लिए वो नॉर्मली आपको आपसे वो KYC करवाते हैं। आपका नाम, आपका पता, आपका मोबाइल, आपका ईमेल, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। जैसे कि पाई नेटवर्क है ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो अगर आप पाई नेटवर्क को ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या फेसबुक अटैच करके पाई नेटवर्क के जो माइनिंग ऐप है उसको ऑन करेंगे। जैसे ही पाई नेटवर्क के मोबाइल जो माइनिंग ऐप है उसको ऐप करेंगे अपना अकाउंट बनाने के बाद तो वहाँ पे एक टॉप राइट साइड पे एक बटन होगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी पाई नेटवर्क की माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हर 24 घंटे बाद आपने वहाँ पे आके उसको क्लिक करना है दोबारा माइनर को तो अगले दिन की। तो एक्चुअली पाई नेटवर्क की अगर आप माइनिंग करेंगे तो आपको टोकन्स तो मिलेंगे लेकिन ये टोकन्स कोई प्रूफ ऑफ वर्क बेस यानी आपकी हार्डवेयर मशीन की कोई उसमें कैपेसिटी वगैरह यूज़ नहीं होगी। वैसे आपने इस यूँ समझ लेंगे पाई नेटवर्क एक ऐसा माइनिंग ऐप है जिसमें आपने सिर्फ रोज़ आके अपनी हाज़िरी लगानी होती है और हाज़िरी लगाने पे अगर आप नॉर्मल अकाउंट होल्डर हैं तो आपको 0.24 पाई जो टोकन है वो मिलेंगे। अच्छा, पाई टोकन के हवाले से अगर आपने माइनिंग करनी है तो ये मैं आपको बताता चलूँ कि अभी ये जो पाई नेटवर्क है ये इनका मेन नेट पब्लिकली लॉन्च नहीं हुआ, इसके जो टोकन्स हैं वो आप कहीं भी बाय और सेल नहीं कर सकते हैं, मार्केट में अभी ये अवेलेबल नहीं है। टोकन आप माइन कर सकते हैं, रख सकते हैं, जब भी ये मेन नेट इसका लॉन्च होगा, क्रिप्टो करेंसी इसकी जो है वो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगी तो जितने आपने यहाँ पे माइन किए होंगे उनको आप बाद में सेल करके करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी मार्केट में कौन सी ऑप्शन है? दूसरा एक और ऐप है जिसकी आप कर सकते हैं, वो भी बड़ा पॉपुलर है, इलेक्ट्रोनियम। ये देखें, जैसे ये है, इसको भी सेम इसी तरह आपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, अपना अकाउंट साइन अप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करता हूँ और ये देखिएगा यहाँ पे, ये देखें यहाँ पर भी ऑप्शन यही है, अकाउंट या तो नीचे वो जो ग्रीन बटन बना है साइन अप का, मैं साइन अप करूँगा या मैं फेसबुक के ज़रिए अपने अकाउंट को लिंक कर सकता हूँ। साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ईमेल, पासवर्ड, फिर नेक्स्ट पेज पे जाके आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर सारा कुछ, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनियम की भी आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रोनियम और पाए में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रोनियम का जो टोकन है वो ऑलरेडी कुछ क्रिप्टो करेंसीज में लिस्ट है। आप कोइन मार्केट कैप में जाएँ, वहाँ पर जाके इलेक्ट्रोनियम लिखें तो वहाँ पर आपको उसकी ऑप्शन मिल जाएगी। लेकिन ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज जो हैं ये प्रूफ ऑफ वर्क बेस नहीं है। जैसे मैंने कहा कि रोज़ आके आपने हाज़िरी लगानी है और हाज़िरी लगाने पे आपको ये फ्री में टोकन देते हैं। अब आते हैं कि आप बाकायदा सही हार्डवेयर मशीन अपनी इस मोबाइल को अगर आप माइनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं जिसमें आपको रियल आपको सही टोकन मिले तो हम मोनेरो की जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी आप मोबाइल पर माइनिंग कर सकते हैं। और भी ऑप्शंस हैं क्रिप्टो करेंसीज की, वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए कौन सा ऐप चाहिए? ये XMRig, ये वाला ऐप आपने, ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, XMRig फॉर एंड्रॉयड, ये आपने अपने प्ले स्टोर में सर्च करना है। जैसे ये ऐप आप अपने प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको KYC की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने ये यहाँ पे कुछ आपने जो परमिशन वगैरह मांग रहे हैं वो परमिशन देनी है। इस तरह का ये
मोनेरो की माइनिंग का जो मोबाइल ऐप है वो ओपन हो जाएगा और ये उसका फ्रंट में आपको लेआउट नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर आपने मोबाइल पे माइनिंग करनी है तो सबसे पहले आपने ऊपर ये सेटिंग की ऑप्शन में जाना है, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आके सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ऐड कॉन्फ़िगरेशन नीचे जो पर्पल कलर का नज़र आ रहा है बटन, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आपने प्रोफाइल नेम रखना है, मिसाल के तौर पे मैं इल्म-ए-आलिम रख देता हूँ, आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको सूट करे या जो आप रखना चाहते हैं, यहाँ इल्म-ए-आलिम नाम रख के। और एडिटर मोड आप बिल्कुल सिंपल रखें, आपको ज़्यादा प्रो मोड और एडवांस मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको ऐड पे क्लिक करें, ये अब आपकी इस माइनिंग ऐप के अंदर प्रोफाइल ऐड हो गई। अब आपने इसमें अपना क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट ऐड करना है। ज़ाहरी बात है जब आपने माइनिंग करनी है तो आपका माइनिंग रिवार्ड तो आपके अपने एड्रेस में जाएगा, तो आपको बेनिफिट होगा। तो उसके लिए आपने इस प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये कहेगा कि आप किसी ना किसी पूल को ज्वाइन करें। पूल को ज्वाइन करेंगे तो आप मोबाइल पे माइनिंग करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, आप सोल माइनिंग करेंगे तो मोबाइल के ऊपर आपको रिवार्ड तो मिलना ही नहीं है। तो मजबूरी है कि आप किसी ना किसी पूल को लाजमी ज्वाइन करें। अब पूल को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एक प्री सेट का बटन आपको पर्पल कलर का, ब्लू कलर का आपको नज़र आ रहा है, इस प्री सेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आगे ये ऑप्शन लिखी आ रही है सेलेक्ट अ पूल। इस सेलेक्ट अ पूल के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये इस वक्त XMRig जो फॉर एंड्रॉयड ऐप है इसमें जो प्री सेट बने हुए हैं मुख्तलिफ जो माइनिंग पूल्स हैं उनके, उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर पूल की जो फीस है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि जब आप पूल के साथ माइनिंग करते हैं तो पूल अपना भी फीस लेता है कि आप उनके पूल के साथ आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उनके पूल की अपनी एक फ़ीस होती है, जितनी आप हैश पावर उनको देंगे उसका कुछ परसेंटेज जो है वो भी चार्ज करेंगे। तो हर पूल की अलग अलग फ़ीस है। मिसाल के तौर पे मैं मोनेरो ओशन पे क्लिक करता हूँ तो इनकी ज़ीरो पूल फीस है, यानी इनकी कोई पूल फीस नहीं है। तो इसको मैंने ओपन किया इसके प्रीसेट पे, यहाँ पे हमने जहाँ पे वॉलेट एड्रेस लिखा है यहाँ पे हमने एड्रेस पेस्ट करना है। अब एड्रेस के लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं OKX का जो मेरा वॉलेट है अपना मोनेरो का, वो एड्रेस मैं यहाँ डिपॉजिट पे जाऊँगा OKX पे, यहाँ मैं XMR पे जाऊँगा, नीचे XMR मोनेरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे मोनेरो का एड्रेस मिल गया जो मुझे माइनिंग के लिए चाहिए। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, दोबारा मैं यहाँ से स्विच करूँगा अपने उस ऐप पे और यहाँ पे अपने एड्रेस को पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपने वर्कर नेम रखना है। वर्कर नेम मिसाल के तौर पे आप एक से ज़्यादा मशीन पे माइनिंग करें, एक से ज़्यादा आपके पास मोबाइल हैं, सब पे आपने माइनिंग लगानी है, तो यहाँ पे हर वर्कर नेम को डिफरेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ilmeaalim1, ilmeaalim2, हर मोबाइल पे एड्रेस तो आपका सेम होगा, यानी जितने भी आप फ़ोन पे माइनिंग कर रहे होंगे एक ही एड्रेस पे सबका रिवॉर्ड आ रहा होगा। और हर डिवाइस को कैसे डिफरेंट करना है, उसका वर्कर नेम 1, 2, 3, 4 कोई भी आप वर्कर नेम 1 और 2 रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वर्कर नेम रख दें, डिफ़िकल्टी जो लेवल है फिक्स, इसको आप छेड़े ही ना, यहाँ पे सेव के बटन पर क्लिक करें। अच्छा, उसके बाद ये टॉप पे आपको पर्पल कलर की 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये मेन्यू बटन है, और नीचे सेव वन चेंजेस पे क्लिक। बल्कि इससे पहले मैं नीचे आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखें कि हम CPU के ज़रिए माइनिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे रैंडम एक्स जो मोनेरो है उसका एल्गोरिथम जो है वो है रैंडम एक्स। अगर हम लाइट, फास्ट, ऑटो, इन तीनों ये मूड हैं कि आपकी माइनिंग मशीन कितना हैश पावर जो है वो यूज़ करें, कितनी कंप्यूटर के जो सोर्सेज हैं वो यूज़ करें। अगर आप समझते हैं लाइट मूड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कम हार्डवेयर यूज़ होगा, अगर आप फास्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन की, आपके मोबाइल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उस पे रह के ये माइनिंग करेगा। मैं इस वक्त लाइट मूड ही चूज़ करूँगा, आप करें, आपके लिए ऑप्शन ये है कि आप ऑटो चूज़ कर लें। आप लाइट मूड मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि साथ साथ मैं इसी मोबाइल पर रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, अगर मैं फास्ट मूड कर दिया तो शायद मेरी रिकॉर्डिंग में कोई मसला आ जाए, तो इस वजह से मैं लाइट मोड ही करूंगा, आप इसको ऑटो मोड कर सकते हैं। और नीचे यहां पे ये एल्गोरिथम है, कौन कौन से एल्गोरिथम जो है यहां पे आप माइन कर सकते हैं, ठीक है। इन सब को ऑप्शंस को आप देख के एज इट इज ही आप सेटिंग रहने दीजिएगा, इसको चेंज ना कीजिएगा। उसके बाद आपने नीचे सेव वन चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। अब ये मेरी प्रोफाइल के अंदर मेरे पूल की, मेरे वॉलेट एड्रेस की, मेरे वर्कर की, फिर कितनी मैंने यूज़ करनी है, सारी डिटेल सेव होगी। अब हमने दोबारा माइनर्स के मेन पेज के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको
ये स्टार्ट का बटन नज़र आ रहा है, लेकिन स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने से पहले आपने यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है ऐड करनी है। ये जहाँ पे एन ए लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की ऑप्शन आ जाएगी। इल्मे आलम को मैं सिलेक्ट करूँगा, जैसे ही सिलेक्ट करूँगा मैंने उसके बाद स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरी माइनिंग स्टार्ट हो गई है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे ऊपर आपको स्टॉप का बटन नज़र आ रहा है, इसका मतलब यह है कि माइनिंग स्टार्ट हो गई है। अब उसको देखने के लिए ये नीचे लॉक का बटन होना बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरा मोबाइल इस वक्त माइनिंग जो है वो करना शुरू हो गया और नीचे मेरे शेयर्स एक्सेप्ट भी हो रहे हैं। ये देखें ऑलरेडी मेरा एक जो शेयर है वो एक्सेप्ट हो गया। अब आपका मोबाइल जो है वो माइनिंग कर रहा है। अब आपने रिवॉर्ड देखना है कि यार मुझे माइनिंग जो है उसमें कितना मैंने अभी तक अर्निंग कर लिया, तो उसके लिए आप अपने ब्राउज़र पर जाएँ और यहाँ पर जो ये अभी हमने कौन सा हमने किया था मोनेरो ओशन जो पूल हमने ज्वाइन किया था उसको ओपन करेंगे, उसकी वेबसाइट पे जाएंगे जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मोनेरो ओशन डॉट स्टीम, और यहाँ पे आपने अपना एड्रेस पेस्ट करना। मैंने चूँकि ऑलरेडी अपना एड्रेस पेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे देखें मेरी यहाँ पे आपको लिखा भी नज़र आ रहा है एक वर्कर मेरा ऑलरेडी वर्किंग में है और साथ अभी तक मेरे 10 शेयर्स मैंने इस माइनिंग पूल में मेरे शेयर जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। अब चूँकि मैं ऑलरेडी इस पर पहले इसी वॉलेट के ऊपर इसी पूल के ऊपर माइनिंग कर रहा था तो इसी वजह से 10 मेरे शेयर यहाँ पे शो करवा रहा है, हालांकि जब मैं पीछे आपको दिखा रहा था वहाँ तो मेरा शेयर सिर्फ एक ही शेयर एक्सेप्ट हुआ था, तो ये 9 जो है इस रिकॉर्डिंग से पहले के मेरे एक्सेप्टेड शेयर्स हैं। आप जब करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल वो नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पे कितने वर्कर हैं, जितने भी आपके वर्कर होंगे यहाँ पे वर्कर की सारी डिटेल आपको नज़र आ जाएगी। नीचे यहाँ पे आपकी रिवॉर्ड वगैरह के कितना आपको रिवॉर्ड आपने अर्न किया है और फिर उसके बाद विड्रॉवल वगैरह की सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मिल जाएगी। कुछ चीज़ें मैं माइनर पेज पे जाके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इस वक्त मेरा जो लाइव हैश रेट है वो है 0.17 हैश रेट। जब मैं अभी चूँकि मैं लो हैश रेट के ऊपर कर रहा हूँ ताकि मैं साथ रिकॉर्डिंग भी करके आपको गाइड कर लूँ, मैंने जब इस मोबाइल के ऊपर अपना हैश रेट फास्ट किया था ऑटो के ऊपर रखा था तो ये मेरा 100 जो इस वक्त हैश रेट है ये 1000 तक हैश रेट था और मेरे 9 जो शेयर एक्सेप्ट हुए थे वो विद इन फ्यू मिनट्स हो गए थे। तो आपने चूंकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वजह से मैंने इसको स्लोमो में रखा हुआ है। हाँ, अगर आपने साथ साथ माइनिंग करनी है साथ साथ मोबाइल को यूज़ करते रहना है तो फिर भी आप स्लोमो मोड में रखें, लेकिन अगर आपका मोबाइल जो है वो आइडल मोड में पड़ा हुआ है बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर रहे हैं सिर्फ आपने उस पर माइनिंग ही करनी है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ऑटो की ऑप्शन को चूज़ करें ताकि आप ये देखें यहाँ पर अभी तक मेरा एक ही शेयर एक्सेप्ट हुआ है। ये जितने मेरे शेयर एक्सेप्ट होंगे उतना ही मुझे रिवार्ड मिलेगा, बाकी मेरी माइनिंग जो है वो तो हो रही है लेकिन मुझे रिवार्ड सिर्फ एक्सेप्टेड शेयर पे मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये मेरा एक शेयर अभी तक एक्सेप्ट हुआ है। जितने शेयर एक्सेप्ट उतने ही रिवार्ड मिलेगा। जाते जाते ये मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ, जब आप मोबाइल पर माइनिंग कर रहे होंगे तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि मोबाइल पर माइनिंग करने से आपका मोबाइल जो है हीट अप हो सकता है, तो आप कोशिश करें अगर आप मोबाइल पर माइनिंग कर रहे हैं तो आप अपने मोबाइल को किसी कूल टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अंदर रखें, एसी वाले कमरे में हैं या अगर आप किसी ठंडे इलाके में हैं फिर तो आपको इतना कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर भी अपने मोबाइल के ऊपर नज़र रखें, ये ना हो कि माइनिंग करते करते आपकी मशीन हीट अप हो गए, मशीन को आपके मोबाइल को कोई मसला हो जाए, ठीक है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मज़ीद इस हवाले से कोई और आपने चीज़ पूछनी हो या किसी और ऐप वगैरह माइनिंग वगैरह आप समझते हैं कि वो मोबाइल पे आप कर सकते हैं तो मेरे साथ वो उसका नाम शेयर करें, मैं उसके हवाले से सर्च करके आपके साथ वीडियो बना के आपको अपडेट करूँगा, ठीक है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।